पाठ 12 हमारी भी सुनो। आओ बच्चों, इस संदेश देती एकांगी को ध्यान से पढ़ें। पात्र, पैदल पथ, फुटपाथ, कालिमा, सड़क, लालिमा, लाल बत्ती, पितिमा, पीली बत्ती, हरितमा, हरी बत्ती, जेब्रा, जेब्रा लाइन। पैदल पथ, दीदी कालिमा, आज तुम उदास दिखाई दे रही हो। कालिमा, क्या बताऊं, आज मन बहुत दुखी है। लोग मेरा प्रयोग तो खूब करते हैं, परंतु चलते समय लापरवाही करते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। आह, आज सुबह ही चुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। पैदल पथ, ओह कैसे? कालिमा, वे गेंद खेलते खेलते मुझ पर दौड़े आए कि अचानक मोटरगाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। पैदल पथ, अरे हम कितना समझाते हैं कि हमारे किनारे गेंद मत खेलो, पर उफ, ये बच्चे समझते ही नहीं। कालिमा, बिल्कुल ठीक, यदि बच्चे पैदल चलते समय भी तुम्हारे साथ रहें तो कितना अच्छा हो। पैदल पथ, अरे बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी मेरे साथ साथ रहना चाहिए, आखिर मैं इनकी सेवा के लिए ही तो हूं। लालिमा, पास जाकर, दोनों में क्या गपछप हो रही है? कालिमा, गपछप क्या, हम तो लोगों की बातें कर रहे हैं, हम सबकी सेवा के लिए हैं, किंतु लोग हमारा सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लालिमा, यही हमारा भी रोना है, लोग हम तीनों बहनों का कहना नहीं मानते और दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज्यादा उल्लंघन लोग मेरा करते हैं, मेरे द्वारा इशारा करने पर भी लोग सड़क पार करते हैं और किसी न किसी से टकरा जाते हैं। पितिमा, अरे तुम्हें हंसी की बात बताऊं, एक बार एक व्यक्ति बड़ी हैरानी से हम तीनों बहनों को देखने लगा। वह साइकिल पर था, लालिमा को देखकर रुक गया। मैंने तैयार होने को कहा पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरी बहन को भी अनदेखा कर दिया और वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। पैदल पथ, फिर क्या हुआ? पितिमा, फिर क्या, वह तब चला जब लालिमा आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और कार से टकरा गया। हरितमा, कई लापरवाह या चिंता में डूबे लोग पहले तो मेरे इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब मैं इशारा देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता और वहीं सड़क पर खड़े रहते हैं और पीछे वाला कोई उन्हें टक्कर मार देता है। कितना अच्छा हो यदि लोग लालिमा के कहने पर रुकें, पितिमा के इशारे पर तैयार हों और मेरे इशारे पर चलें तो दुर्घटना ना हो। जेब्रा, जी हाँ, मेरे शरीर पर बनी काली सफेद धारियों पर ही पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए। वाहन चालक जब लाल बत्ती पर अपना वाहन रोके तो मेरे ऊपर अपने वाहन को मत खड़ा करें। मुझसे कुछ दूरी पर रुकने के लिए लगाई गई सफेद रेखा पर ही वाहन रोकें ताकि पैदल चलने वालों को असुविधा ना हो। कालिमा, चलते समय सदा मेरे बाईं ओर चलना चाहिए और मुड़ते समय सदा इशारा देना चाहिए, दाएं बाएं देखकर ही मुझे पार करना चाहिए। पैदल पथ, हाँ भाई, हम सभी लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, यदि लोग हमारी बातों को मानेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करके ही हम सड़क पर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। आओ अभ्यास करें। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। गेंद, गेंद, दुर्घटना, दुर्घटना, बत्ती, बत्ती, सड़क,
सदुपयोग सदुपयोग, गपशप गपशप, सड़क सड़क, बुत बुत, दुरुपयोग दुरुपयोग। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। रास्ता पथ, खतरा जोखिम, इंतजार प्रतीक्षा, खब्बे बाएं, मोटर गड्डी मोटर गाड़ी, अखां आंखें, सुरक्षा सुरक्षा, सज्जे दाएं। शब्दार्थ दुख कष्ट या तकलीफ, उल्लंघन मतलब नियम को तोड़ना, जोखिम खतरा, दुर्घटना बुरी घटना, दुरुपयोग बुरा उपयोग, सदुपयोग अच्छा उपयोग, इशारा संकेत, अनदेखा बिना देखे, बुत मूर्ति की तरह जड़, प्रतीक्षा मतलब इंतजार। बताओ, प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, चुन्नू मुन्नू को चोट कैसे लगी? चुन्नू मुन्नू सड़क पर गेंद खेलते खेलते मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। दूसरा, लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? इसका उत्तर है, लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। तीसरा, पीली बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए? पीली बत्ती पर हमें चलने को तैयार होना चाहिए। चौथा, हरी बत्ती का क्या अर्थ है? हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। पांचवा, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें सड़क दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। सड़क पर काली सफेद धारियां क्यों बनी होती हैं? सड़क पर काली सफेद धारियां पैदल चलने वालों के लिए बनी होती हैं। सही मिलान करो, काली सफेद धारियां, पैदल सड़क पार करना, पीली बत्ती तैयार रहना, हरी बत्ती चलना, लाल बत्ती रुकना। पढ़ो समझो और लिखो, पढ़ो समझो और लिखो। बच्चों, ये शब्द विपरीत अर्थक शब्द हैं, आज कल, दाएं बाएं, सुख दुख, चलना रुकना, ऊपर नीचे, सदुपयोग दुरुपयोग, खड़ा बैठा, काली सफेद, समझो, कालीमा काला, लालिमा लाल, पितिमा पीला, हरितिमा हरा। रचनात्मक कौशल, बच्चे जेब्रा लाइनों, लाल पीली और हरी बत्ती का चित्र बनाएं तथा उनमें रंग भरें। बच्चों, नीचे बनाए गए चित्र को देखकर आप ऐसा चित्र बना सकते हो और उनमें रंग भर सकते हो। इन्हें अपनाएं, हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें, सड़क के निकट गेंद ना खेलें, सड़क हमेशा दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए, पैदल चलते समय सड़क हमेशा काली सफेद धारियों, जिन्हें जेब्रा लाइनें कहा जाता है, से पार करनी चाहिए, लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए, पीली बत्ती होने पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, हरी बत्ती होने पर चलना चाहिए। इस तरह दिया होर वीडियोस ले सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।